मैं शुभम जैन आपका स्वागत करता हूँ आलोकन एकेडमी के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट हमारे सेशन में जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा, मैं आपके उसको क्विक समरी आपको मैं देता हूँ, ठीक है? जो हमने अभी तक हमारी क्लासेस में पढ़ा, कॉस्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सबसे पहले देखा था कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की लागत, उसको मैन्युफैक्चर करने में या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो उस प्रोडक्ट की क्या कहलाती है, लागत। कॉस्ट में मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, तीनों को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स है, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो सर्विस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें जो जो हमने एक्सपेंसेस करे उनको किस तरह कैलकुलेट किया जाए उस कॉस्ट को, उसको उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स गिवन है। मेथड्स हमने पढ़े थे, जॉब कॉस्टिंग है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये सब हमने गुड्स से रिलेटेड पढ़े थे। फिर हमने सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर में हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमने देखा था, ऐसे कॉस्टिंग के हमने मेथड्स देखे थे। और उसके बाद हमने डायरेक्ट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग वो थोड़ा समझा था क्या टॉपिक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, कि किसी प्रोडक्ट की एक लाइफ स्पैन में होने वाले जो टोटल एक्सपेंडिचर है उनको जब हम ऐड करते हैं तो उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की पूरी कॉस्ट निकलती है। यहाँ से हमने बहुत मेथड्स लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए। उसके बाद हम उनमें से एक मेथड आज हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं, ये एक मेथड है टू कैलकुलेट कॉस्ट। मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और सर्विस प्रोवाइडेड आउटपुट कॉस्टिंग में हम एक यूनिट की जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्ट की एक यूनिट है उसकी कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। ये सिंगल और आउटपुट जो कॉस्टिंग है वो कब यूज़ आती है, जब हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूस बेसिस पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो रहा है, और वो किसी सिंगल यूनिट, हमारी जो फैक्ट्री है वो सिर्फ एक सिंगल यूनिट बनाती है और आइडेंटिकल यूनिट्स बनाती है, या फिर मिलते जुलते हमारा यूनिट्स प्रोडक्ट की बनाती है। यानी जब हम हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं तो एक सिंगल यूनिट और आइडेंटिकल यूनिट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस में, मतलब हमारा मास प्रोडक्शन हो रहा है रेगुलर बेसिस में सिंगल यूनिट का। तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे डिसाइड करें। कॉस्ट में हमने लास्ट क्लासेस में देखा कि कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की, जब हम उसका मटेरियल, उसमें लगने वाला जो मजदूरी है, जो हमने वेजेस दिए है, और हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन सबको जब हम टोटल करते हैं तो हमारी उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आती है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमने लाखों यूनिट्स एक बार में हमारी प्रोडक्शन बनती है, लगातार प्रोडक्शन चलता रहता है। अब जो हमने हमारा प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करेंगे तो हमें सेल करने के लिए कॉस्ट प्लस उसमें हम हमारा प्रॉफिट मार्कअप ऐड करते हैं। तो कॉस्ट को निकालने के लिए, कि हमें ये पता लगे कि हम सपोज़ पेंसिल बना रहे हैं तो उस पेंसिल की प्रोडक्शन तो बहुत सारा नंबर ऑफ यूनिट्स का मास प्रोडक्शन हो रहा है और लगातार हो रहा है, पर हमें उस पेंसिल की सिंगल यूनिट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है।
तभी हम डिसाइड कर सकेंगे कि उसमें एक पेंसिल को बनाने के लिए हमारी फैक्ट्री में क्या लागत आई, क्या खर्चे हमने उस पर करे। तो सिंगल यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट हम डिसाइड करेंगे, तो वो किस यूनिट में हम पढ़ते हैं, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में। ये हमारा सिलेबस में एक टॉपिक है, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसमें हम उस प्रोडक्ट की एक कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, जो भी हमने टोटल कॉस्ट इनकर्ड करी और टोटल कॉस्ट जो हमने इनकर्ड करी और टोटल क्वांटिटी हमने कितनी प्रोड्यूस करी, तो यहाँ देखिए हमने 1 लाख पेंसिल हमारे एग्जाम्पल में बनाई, तो उसको बनाने के लिए हमने जो खर्चा किया वो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। उसको हम 1 लाख जो यूनिट्स है हमारे एग्जाम्पल में, तो उससे हम उसको डिवाइड कराएंगे तो क्या निकलेगी, एक पेंसिल को बनाने की कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। ये हम इस चैप्टर में हम ये चीज़ कैसे डिस्कस करेंगे कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाए। तो सिंगल यूनिट में हमने क्या पढ़ा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट है वो क्या आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी यूनिट को हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको बनाने के लिए उसकी हमारे कंपनी में हमें कितनी टोटल कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उस प्रोडक्ट पे होने वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कितना डायरेक्ट मटेरियल लगा, कितनी डायरेक्ट लेबर लगी और कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा, ये इन सब की टोटल क्या कहलाती है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट हमने पहले मटेरियल लगा, प्राइम कॉस्ट में हमने मटेरियल लगाया, डायरेक्ट वेजेस लगाई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया, तो उससे क्या मिलेगी हमें, प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो उससे आएगी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में होने वाले जो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं वो कहाँ पर आ जाएगी, हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में, और उससे हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगी, तो फैक्ट्री कॉस्ट को सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी तो प्राइम कॉस्ट, और उसमें क्या जोड़ेंगे हम, फैक्ट्री कॉस्ट उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, मतलब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने ऑफिस में किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में ओवर जो हेड है उनको जोड़ने के बाद जो ऑफिस कॉस्ट आती है वो हम जोड़ेंगे हमारी फैक्ट्री कॉस्ट में। मतलब पहले हमने लिया प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें जुड़ी फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उसमें जुड़ी ऑफिस कॉस्ट, ठीक है, फिर उसमें हम जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केट कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, डीलर्स तक पहुंचाने के लिए जो हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करते हैं इनडायरेक्ट नेचर के, उनको जोड़ने के बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल आती है, इन सब से मिलके क्या बना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये सब हम डिटेल में एक एक टर्म को अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में हमने देखा कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालनी है, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमको
प्राइम कॉस्ट चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, ऑफिस कॉस्ट चाहिए और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ने के बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए वो चाहिए, उन सबको जोड़ते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। उसमें हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमने जो प्रोड्यूस की है वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो किए हैं उसका हम जब डिवाइड करेंगे उसको तो हमें कॉस्ट पर यूनिट निकल के हमारे पास आएगी। उसमें हमको प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड हम करेंगे। तो कॉस्ट जो आउटपुट है इसमें हम पढ़ेंगे कॉस्ट शीट इस चैप्टर में, या इसको ये भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें जो हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो स्टेज बाय स्टेज जैसे सबसे पहले मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, एक्सपेंसेस लगते हैं, फिर प्राइम कॉस्ट आती है, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है, वो सब जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट आती है। तो इनको डिस्क्राइब स्टेज बाय स्टेज हम किस में करते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, या फिर उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट हमें क्या बताता है, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट एट वेरियस स्टेजेस। जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट है, उनको यह डिस्क्राइब करता है हमारा कॉस्ट शीट, या फिर इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, एट वेरियस स्टेजेस। मतलब प्रोडक्शन प्राइम जो लग रहा है, डायरेक्ट मटीरियल लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लेबर हो रहे हैं, उसके बाद जो प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहे हैं उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड लग रहे हैं उसके बाद, तो ये स्टेप वाइज स्टेप जो स्टेजेस है उसको किस चीज़ में डिसाइड करते हैं, हम कॉस्ट शीट में। तो जो सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग है वो किन इंडस्ट्री में यूज़ होती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है आइडेंटिकल यूनिट्स का कंटिन्यूस बेसिस पे, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, हम लोग सीमेंट मेकिंग कंपनी है तो सीमेंट हमारे सीमेंट के हम बैग्स बनाते हैं, तो वो नंबर ऑफ बैग्स हम कंटिन्यूस बेसिस पे बनाते हैं। तो एक सीमेंट के बैग की कीमत हमको कैसे पता लगेगी, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग में, कि सीमेंट इंडस्ट्री हुआ, शुगर इंडस्ट्री हुआ, ठीक है, ये सब जो इंडस्ट्री हैं जहाँ पर हम लगातार बेसिस में मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्री हुआ, एक ही तरह का प्रोडक्ट कंटिन्यूस बेसिस में लार्ज बेसिस में लगा रहे हैं, तो वहाँ पर सिंगल कॉस्टिंग अडॉप्ट की जाती है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, ये मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस मेथड को हम कहाँ यूज करेंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ जो प्रोडक्शन है कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सिंगल और आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो रहा है, ठीक है, उसका मास प्रोडक्शन हो रहा है, लाखों यूनिट एक साथ बनती है उसको क्या कहते हैं, मास प्रोडक्शन। उस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग।
इसमें हम दो तरह की अप्रोच फॉलो करते हैं। जो मेथड है कॉस्ट अकाउंट ऐसे सिंगल कॉस्टिंग में, यूनिट कॉस्टिंग में, एक तो कॉस्ट शीट है मेथड, एक है प्रोडक्शन स्टेटमेंट और प्रोडक्शन अकाउंट। एक तो कॉस्ट शीट बना के, जिसको अभी मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, या फिर प्रोडक्शन अकाउंट बना के हम लोग क्या निकालते हैं, हमारी कॉस्ट पर यूनिट। इन ये दोनों से हमेशा कॉस्ट सेम आएगी, पर इन दोनों में, दोनों मेथड में सिर्फ एक डिफरेंस है। कॉस्ट शीट में हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं, जो हमारी टोटल कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ सेल तक आती है कॉस्ट शीट में, हम उसको कंसीडर करते हैं। प्रोडक्शन अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस हम इसमें जो उस प्रोडक्ट को बेचने से हमारे प्रॉफिट और लॉस हुआ है एंड सेल वैल्यू जो है, इसको भी कंसीडर करेंगे जब हम प्रोडक्शन अकाउंट के थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे। तो इन ये दोनों एकदम सेम मेथड है, बस इनमें डिफरेंस है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल जो बोलते हैं अपन, टोटल प्रोडक्ट को बनाने की जो लागत है कॉस्ट शीट में सिर्फ वो कंसीडर किया जाता है, और प्रोडक्शन अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड सेल और सेल वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो ये दोनों, अब ये दोनों क्या है, अप्रोच। कॉस्टिंग में दो अप्रोच है हम कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए सिंगल यूनिट के मेथड में। अब इसके हमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट सिंगल यूनिट कॉस्टिंग में, इसमें हमको सबसे पहले हमने जैसे अभी पढ़ा एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो टोटल कॉस्ट है और उस और कॉस्ट पर यूनिट, इसका हम पता लगाएंगे किससे, कॉस्ट सिंगल कॉस्टिंग मेथड में। इसको जो कॉस्ट निकली उसमें हमारा फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन विद पास्ट डेटा, जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट निकाली उसको जो पास्ट डेटा है पिछले साल का आप ले लो, तो हमारे पास जो डेटा है उससे हम कंपेयर करेंगे कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लास्ट ईयर हमारी क्या कॉस्ट पड़ रही थी एक यूनिट को बनाने के लिए, और इस बार क्या बन रही है जब हम वो सेम यूनिट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है। और ये हेल्प किस में करता है, जो हमारे मैनेजर्स है, हमारे जो फर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स है उनको डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है कि हमारी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे क्या कॉस्ट आ रही है, उसको फिर हमने कॉस्ट शीट में जो डेटा है पास्ट डेटा उससे कंपेयर किया, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए या कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, या कॉस्ट शीट में कितना प्रॉफिट हम ऐड करें ताकि हमारी न्यू सेल प्राइस आए, जो करेंटली हमको प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसको हम कितने सेल पे बेचे। तो ये सब हम कॉस्ट शीट में पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक हमें सब क्लियर होगा, हम वापस अब इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे।
हमने हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ जो कॉस्ट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, वो क्या होते हैं? एक प्रोडक्ट में मटेरियल लगता है, उसको बनाने के लिए जो मजदूरी हमने दी है लेबर लगता है, एंड एंड एक्सपेंसेस लगते हैं। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ये कॉस्ट हो गया। सबसे पहले उसमें हमने देखा था प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। अब हम कॉस्ट शीट में जो जो एक एक टर्म यूज़ की जाती है उसको पढ़ रहे हैं। प्राइम कॉस्ट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है प्लस डायरेक्ट लेबर लग रही है, जो हम मजदूरी दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे वर्कर्स को, और जो हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था। डायरेक्ट क्या होता है हमारे कॉस्टिंग में? डायरेक्ट वर्ड है जो उस प्रोडक्ट से हम डायरेक्टली रिलेट कर सके, वो आइडेंटिफिएबल है, उस प्रोडक्ट को देख के हम पता लगा सके कि उस प्रोडक्ट में क्या खर्चे लगे हैं, क्या मटेरियल लगा है। वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? डायरेक्ट कैटेगरी में। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम जब कॉस्ट शीट में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलती है? डायरेक्ट कॉस्ट, या उसको उस प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। ये सबसे बेसिक कॉस्ट होती है, जो सबसे फर्स्ट हम प्रोडक्ट में लगाते हैं, तो इसको बेसिक कॉस्ट भी हम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट यानी इसको हम बोलते हैं वर्क्स वर्क्स कॉस्ट। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो क्या कहलाती है? फैक्ट्री में जो हमने एक्सपेंडिचर किया है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमारे आ गए किसमें? डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस डायरेक्ट मटेरियल में। जो इनडायरेक्ट ओवरहेड किया है, जो हम उस प्रोडक्ट को देख के उन खर्चों का अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सपोज आपने फैक्ट्री का रेंट दिया, तो आपने कितना रेंट दिया फैक्ट्री का वो उस प्रोडक्ट को देख के आप पता नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसमें कंज्यूम हुआ आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो आप ये अपने जो प्रोडक्ट है उसको देख के पता नहीं लग सकते, वो इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं है। वो जो खर्चे हैं इनडायरेक्ट नेचर के, उनको कहाँ कंसिडर किया जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट में, जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में एक तो हम लेंगे प्राइम कॉस्ट जो हमने ऊपर अभी देखी, फिर उसमें जोड़ेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फैक्ट्री, इनको फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड भी कहा जाता है। उससे क्या आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, और टेक्निकली इसको हम कह सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट तो क्या हुई?
प्राइम कॉस्ट क्या हुई, डायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है, जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है हम हमारे प्रोडक्शन से, वो किस में कंसिडर करेंगे हम, प्राइम कॉस्ट में। और यहाँ पर कौन सी कॉस्ट लेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब, इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या लेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे हमारी कॉस्ट शीट में, अगला जो टर्म यूज करेंगे हम कॉस्ट शीट में, हमने पहले पढ़ा प्राइम कॉस्ट, नेक्स्ट हमने पढ़ा फैक्ट्री कॉस्ट, उस फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जो एक्सपेंसेस हमने ऑफिस में करे हैं, ऑफिस में जो एक्सपेंसेस करे हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फैक्ट्री में जो खर्चे करे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो आ गए फैक्ट्री ओवरहेड में, उनको प्राइम कॉस्ट में ऐड किया तो हमें मिली फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस में जो हमने मैनेजर से, मैनेजर को जो ऑफिस में है उनको सैलरी दी, ऑफिस का रेंट दिया, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी दी, वाटर बिल पे किया, तो वो जो खर्चे हैं जो ऑफिस से रिलेटेड है, यानी अपने बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड करते, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, ये किस में हम ये किस में आएंगे, ऑफिस कॉस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में। इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब फैक्ट्री कॉस्ट हमने ली जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या हमें मिलता है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम जो उसमें ऑफिस के एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हम करेंगे ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो हमें क्या मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक ऑफिस कॉस्ट, या फिर हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। जब हम प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ के जो कॉस्ट आती है हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम एडजस्टमेंट करेंगे हमारे जो फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है, वो टर्म हम अभी कॉस्ट शीट जब डिस्कस करेंगे हमारे आगे आने वाले टाइम में, तब हम और डिस्कस करेंगे, तो उससे हमें निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकलेगी, जो भी हम माल हमने बेचा, उस माल को बेचने तक जो हमारी कॉस्ट लगी, उस माल को बेच जो हमने माल बेचा उसको बनाने तक जो हमारी कॉस्ट लगी है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रमोशन, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, मतलब एक एक आप बॉटल बना रहे हैं, वाटर बॉटल आपकी मिनरल वाटर कंपनी है बनाने की। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो जो मटेरियल यूज़ करा वो आएगा डायरेक्ट मटेरियल में, है ना। जैसे बॉटल हुआ, बॉटल का उसका कैप हुआ, वाटर हुआ, केमिकल्स उसमें हुए, फिर उसको बनाने में जो मजदूरी दी वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है, और डायरेक्ट लेबर में, सॉरी, फिर जो खर्चे किए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तो ये प्राइम कॉस्ट आई। फिर आपने उस बॉटल को बनाने के लिए जो आपकी फैक्ट्री है वहाँ का जो जो फैक्ट्री ओवरहेड की है वो उनको ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। फिर आपका जो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी जहाँ होती है उससे रिलेटेड खर्चों को ऐड करेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हुआ। अब आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसमें फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी। फिर उस वो प्रोडक्ट तो आपको बन के तैयार हो गया, जो मिनरल वाटर आप बॉटल बना रहे हैं उस वाटर बॉटल का वो बॉटल तो आपकी तैयार हो गई। अब उसको आपको बेचना है मार्केट में, आपको ऐड करना है, उसको सेल्समैन को सेल्स कमीशन देना है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो सब किस में पड़ते हैं हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये पार्ट हम ऐड करते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स पता लगती है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम, टोटल कॉस्ट। हमारी इस मिनरल वाटर की जो हमने बॉटल बनाई उसमें सारे खर्चे ऐड कर दिए तो हमें क्या मिलती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने की लागत, ठीक है, जहाँ पर सारे खर्चे ऐड हो रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हम कॉस्ट शीट में जो जो टर्म है वो हम डिस्कस करेंगे, तो वो मैंने आपको डिटेल में समझाया। कॉस्ट शीट के जो मेन हेडिंग है वो हमने यहाँ कंप्लीट करी। अब उस कॉस्ट शीट में हम जो मटेरियल है वो हमारा मटेरियल जो यूज़ होता है हमारे प्रोडक्शन में वो तीन तरह का होता है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। जो भी हम कोई एक प्रोडक्ट को उसके एग्जिस्टेंस में लाते हैं वो जब रेडी टू सेल होता है तो उसमें लगने वाला जितने भी तरह के मटेरियल है उसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश्ड गुड्स। स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल में हम जब जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल, तो जब हम उसको रॉ फॉर्म में हमारी प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ परचेज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल। यानी ये क्या हो गया, कच्चा माल, जो गुड्स है वो रॉ फॉर्म में है, अभी उसमें और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी। जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कच्चा पक्का माल है, ना तो वो कच्चा है और ना वो पक्का है, मतलब इसमें कुछ एक्टिविटीज़ और होगी जब वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा। मतलब रॉ मटेरियल में हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी, ठीक है, कुछ लेबर लगाई, एक्सपेंस किए, वो आधी प्रोसेस में है, मतलब उसमें और एक्टिविटीज़ होनी होगी, वो कच्चा पक्का माल है, उसमें और हम जब एक्टिविटीज़ करेंगे तब वो हमें क्या तब वो गुड्स क्या कहलाएगा, हमारा मटेरियल फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने माल ख़रीदा जो रॉ फॉर्म में है हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस जब वो
पूरा माल बन के अभी तैयार नहीं हुआ, वो फैक्ट्री में इन प्रोसेस में है, तो वो कहलाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। उसको जब वो रेडी टू सेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नॉट रेडी टू सेल है अभी तक। और फिनिश गुड्स के केस में हम क्या बोलेंगे, वो बिकने योग्य जब बनेगा, वो किस कैटेगरी में आता है, फिनिश्ड गुड्स में। तो कॉस्ट शीट जो हम एक हमारे आज हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं सिंगल यूनिट कॉस्टिंग में, जो एक अप्रोच है कॉस्ट निकालने की, उस कॉस्ट शीट में हम लोग हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कच्चा माल, वो हमने कितना कंज्यूम किया, कितना यूज़ कर लिया है, वो हम हमारे कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल जो प्राइम कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिया जाता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम हमारे प्रोडक्शन में जो हमारा पीरियड है प्रोडक्शन का, उसमें जो पहले से हमने माल खरीद रखा है उसका जो ओपनिंग स्टॉक बचा है, लास्ट हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड हम कॉस्टिंग का ले रहे हैं उस पीरियड में जो ऊपर आ रहा है, लास्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस पीरियड का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हमारी बुक्स ऑफ कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का है उसमें हम ऐड करेंगे परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है वो ओपनिंग स्टॉक में जब ऐड करेंगे, ठीक है, इतना माल हमारे पास पहले से पड़ा था रॉ मटेरियल का, इतना हमने और हमारा जो पीरियड है जिसकी पीरियड के लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं उस पीरियड में जो हमने परचेज करा है, इस इनको जब जोड़ा जाएगा इतना गुड्स हमारे पास रॉ मटेरियल का अवेलेबल है। इसमें से जब हम रॉ मटेरियल जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, मतलब जिस पीरियड के लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं उस पीरियड के अंतिम दिन जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसको हम उसमें से लेस करेंगे। ये लेस करेंगे अमाउंट तो क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। हमारे कॉस्ट शीट में प्रोडक्शन को करने के लिए जो माल यूज किया है हमने एक्चुअली, वो कहलाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस अमाउंट को हम लोग कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमने रॉ मटेरियल के बाद पढ़ा था वर्क इन प्रोग्रेस, यानी हमारा कच्चा पक्का माल जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अभी
पूरा कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड नहीं हुआ है। WIP क्या कहलाएगा? नॉट येट मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीटली, मतलब वो फिनिश्ड गुड्स बनने के लिए अभी उसमें कुछ और वर्क करना पड़ेगा। मतलब हम इसमें कुछ थोड़ा और हमें काम करना पड़ेगा, एक्सपेंस करने पड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ और काम करना पड़ेगा ताकि वो उसको हम पक्का माल में कन्वर्ट कर सके। वो माल हमारा कंप्लीटली पक्का नहीं है, जैसे अभी अपने डिस्कस किया, तो उसको हम सेल नहीं कर सकते, वो सेलेबल नहीं है मार्केट में अभी इस कंडीशन में। तो वो वैसा गुड्स किस कैटेगरी में हम पड़ेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में। अब उसको हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए एक जो वैल्यू हम निकालेंगे, जो WIP की वैल्यू हम निकालेंगे, वो प्राइम कॉस्ट पे निकाल सकते हैं, वो क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है ना। फैक्ट्री कॉस्ट पर निकाल सकते हैं, पर फैक्ट्री कॉस्ट में निकालना ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद कुछ ऐसे भी खर्चे करे जाते हैं जो उस माल में, फैक्ट्री ओवरहेड जो हम कहेंगे, वो उस माल में ऐड हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिस है वो वैसे तो क्वेश्चन में गिवन रहता है कि ये डायरेक्ट लेबर का इतना परसेंट हमें फैक्ट्री ओवरहेड लेना है वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसकी वैल्यू जो हम करेंगे वो किस पे करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे, या फिर जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा, या आपने समझा? जो WIP है हमारा माल, उसकी उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? या तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, या फिर प्राइम कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। पर फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस में करना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद कुछ एक्सपेंसेस और उसमें जुड़े हुए हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, तो हम ज़्यादा रिलायबल क्या माना जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट बेसिस पे उसका रिकॉर्ड करें। तो हम हमारी कॉस्ट शीट में ये सब हम कॉस्ट शीट के एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम कॉस्ट शीट का जो परफॉर्मा पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम उस एक एक टर्म को पहले से डिस्कस कर रहे हैं, फिर वो बस उतारना होगा और आप उसको खुद अच्छे से अपने आप रिलेट कर सकेंगे। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जो हमारा प्राइम कॉस्ट है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या हुआ? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसमें हम जब एडजस्टमेंट करेंगे हमारे WIP का, तो वो क्या कहलाएगा? जो ओपनिंग में WIP है तब हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी, जो फाइनल कॉस्ट है फैक्ट्री की, जो हमें ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो हमारी है जैसे हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में पढ़ा था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिया था, फिर हमने ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड के लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उस रेलेवेंट पीरियड में जो परचेजेस करी उसको ऐड किया, और जो क्लोजिंग स्टॉक है लेस किया,
ठीक है, तो उससे हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिला, तो ये हम तो हमने रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्री कॉस्ट का ट्रीटमेंट। फैक्ट्री कॉस्ट में सबसे पहले ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकाली। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में भी WIP की जो ओपनिंग और क्लोजिंग, WIP का जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है उसको क्या करेंगे, एडलेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और फिर क्या लेस करेंगे हम, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बैलेंस को लेस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया। मटेरियल कौन सा वाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो अमाउंट हमने निकाला, तो हमें मिली प्राइम कॉस्ट। उसमें इनडायरेक्ट ओवरहेड रिलेटेड टू फैक्ट्री विच मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड, उसको ऐड किया तो हमें मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हमने वर्क इन प्रोग्रेस जो माल हमारा कच्चा पक्का माल है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करेंगे और क्लोजिंग WIP जो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में पड़ा है उसको लेस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी हमने देखा रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके बाद हमने देखा WIP का ट्रीटमेंट हमारी कॉस्ट शीट में क्या होगा। थर्ड मटेरियल की कैटेगरी आपको बताई फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स जो है मतलब जो माल रेडी टू सेल है, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, मतलब उसमें अब कोई उसको बनाने के लिए सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे फर्दर कोई प्रोसेस नहीं करनी है, तो वो हमारा कहलाता है फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स का जो कॉस्ट शीट में है ट्रीटमेंट, तो उसमें हम लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जैसे रॉ मटेरियल का हमने बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट किया, WIP के बैलेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट किया, वैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो हमारा अकाउंट कॉस्टिंग का पीरियड है जिस पीरियड के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वालों प्रोडक्शन अकाउंट है कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उस स्टेटमेंट में उस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस फिनिश्ड गुड्स का हमारे पास कितना है उसको हम ऐड करेंगे और उसमें से हम क्या लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये तो हमारे कॉस्ट जो पीरियड है उसका ओपनिंग स्टॉक हो गया, और ये जो पीरियड है जो सेलिंग सेल्स जो यूनिट हमने नहीं की है जो हमारे फैक्ट्री में बन के तैयार पड़ी है उसका क्लोजिंग बैलेंस अब लेस करेंगे, तो हमारे क्या उससे हमारी क्या आएगी इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमको क्या जोड़ना है, फिनिश गुड्स ओपनिंग बैलेंस लेस क्लोजिंग बैलेंस, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने माल बेचा है उसकी लागत हमें मिलेगी। तो यहाँ तक आई होप सब क्लियर होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। इसके बाद कॉस्ट शीट में ये फाइनल कॉस्ट होती है जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट, जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आ गई उस प्रोडक्ट को बनाने की, टोटल कॉस्ट आ गई। इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी लागत, ठीक है। उसमें जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया तो क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल। फिर हमारी जब कॉस्ट ऑफ सेल, ये हमारी कॉस्ट शीट बन के तैयार हो गई, उसमें एक एक टर्म हमने पढ़ा, तो फिर हमारे को उस जो हमने माल बेचा उसकी टोटल माल जो हमने बेच चुका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट, उसमें हमने प्रमोशन एक्सपेंस करे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, माल को बेचने की लागत ऐड होने के बाद क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारी क्या आएगी, टोटल सेल जो हमने पूरी हमारी पीरियड में सेल करी है, सेल टोटल सेल आ गई। तो जो हमारी सेल वैल्यू है और हमने कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, तो उससे क्या आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल है आपकी पूरी टोटल कॉस्ट है, उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स आए तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई, उसमें आप प्रॉफिट पर यूनिट ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगी आपके पास, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ये नोट कर लीजिए, ये हमने कॉस्ट शीट के सारे एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो वेरियस स्टेजेस में हम कॉस्ट को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाता है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में जो कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तीनों को जब जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स का जब हम डिवाइड करेंगे, उसको उससे भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कॉस्ट पर यूनिट। उसमें प्रॉफिट पर यूनिट जोड़ेंगे हम तो हमें क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो जो कॉस्ट, सिंगल कॉस्टिंग मेथड हमने जो आज पढ़ा उसको, उसमें कॉस्ट निकालने के दो अप्रोच है, एक तो कॉस्ट शीट वाइज और एक प्रोडक्शन वाइज।
ठीक है, सबसे पहले पढ़ा कॉस्ट, कॉस्ट के एलिमेंट्स पढ़े मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा इसकी अप्रोच, वो थी कॉस्ट शीट, एंड नेक्स्ट दूसरी अप्रोच प्रोडक्शन अकाउंट बना के, इससे इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। कॉस्ट शीट में हमने पढ़ा ये वेरियस स्टेजेस पे हमारी कॉस्ट को डिस्क्राइब करता है स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहले हमने प्राइम कॉस्ट पढ़ी, प्राइम कॉस्ट में क्या आया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट के बाद जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड हमने देखे कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमें फैक्ट्री कॉस्ट मिली, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हमने निकाली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट। वो कैसे निकाली, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं प्रोडक्शन को करने के लिए, वो जब फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे तो क्या आएगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या फिर ऑफिस कॉस्ट। इसमें जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफिस कॉस्ट में हम ऐड करेंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू सेल एंड प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किस में ऐड करेंगे, ऑफिस कॉस्ट में, तो हमें क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ सेल। जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्रॉफिट। तो हमें क्या मिलेगा, जो हम उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आई, तो हमें क्या मिलेगा, सेल पूरी टोटल जो हमने यूनिट्स बेची उसकी सेल वैल्यू, उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का डिवाइड लगाएंगे, यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और यहाँ पर जो कॉस्ट है, जो हमारी कॉस्ट है, उसमें टोटल कॉस्ट और जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी है उस, है ना, जो भी क्वांटिटी है, तो उससे क्या आ जाएगी, हमारी कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में प्रॉफिट पर यूनिट करेंगे तो भी क्या आ जाएगी, हमारी सेल प्राइस पर यूनिट। तो नेक्स्ट, अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट का परफॉर्मा बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।